अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम ग्लोबल इकॉनमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली रिगार्डिंग द इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर समिट जो कि पाकिस्तान में एक समिट हुई है जिसमें पूरी दुनिया के 57 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है अगर किसी का फॉरेन मिनिस्टर नहीं भी आया तो बट दे हैव इंगेज सम वेरी सूटेबल डिप्लोमेट्स टू कम पाकिस्तान और उसकी सक्सेस के बारे में क्योंकि ये भी चीज़ वो है जो कि हमारी इकोनॉमी से रिलेट करती है अगर हम डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल हैं तो हम इकोनॉमिकली लास्ट में सक्सेसफुल होंगे आई गॉट अ वेरी ऑनरेबल गेस्ट विद अस एंड दिस इज अ पर्सन आई रियली वॉन्ट टू इंटरव्यू हिम इनसे मैं बहुत देर से एक इंटरव्यू करना चाहता था और मैं चाहता था कि हम एक ऐसा टॉपिक रखें जो कि ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को इंगेज करें बल्कि हमारे अल्लाह ने और इज्जत दीज सच अंडरफुल पर्सन एंड थैंक यू वेरी मच टू गिव टाइम थैंक यू कैसे हैं मिया साहब हाउ डू यू थिंक दैटिस्तान ने फिफ्टी सेवन कंट्रीज को एंगेज किया और वो फिफ्टी सेवन कंट्रीज ना सिर्फ पाकिस्तान आए और किसी ने भी बॉक नहीं किया तो डू यू फील दिस इज़सन पॉलिसी देखिए नॉट ओनली मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज के पाकिस्तान में बदकिसमी से दो इंस्टीट्यूशन हैं जो फंक्शनल हैं बाकियों पे तो माशा पॉलिटिशन ने इंटरफियर करके कर उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया चाहे ब्योक्रेसी हो पुलिस हो लोकल बॉडीज़ हो और दो इदारे एक पाकिस्तान आर्मी वो तो इसलिए बच गई कि उसके हाथ में बंदूक है और उसमें इंटरफेयरस नहीं हो सकी और दूसरा है फ़ॉर ऑफ़िस उनको फ़ॉरन ऑफिस में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि जी ये फलानी की पोस्टिंग इधर हो जाए को थाना पटवारी वो कुछ नहीं होता सारे प्रोफेशनल्स हैं सारी ज़िंदगी जो है वो प्रोफेशनलिज्म रहती है एक ही प्रोफेशन में यह नहीं होता कि आज हेल्थ में तो कल फॉरेन अफेयर्स में तो कल किस बरसों कहीं और चले जाएंगे इनका एज अ रिज़ल्ट एक पैशन हो जाता है इसीलिए कहते हैं इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फ़ॉरन ऑफिस के बारे में कहा गया तो उसमें क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं इसलिए ये एक कॉन्टीन्यूट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है इसलिए ये तवातुर से एक कॉन्टीन के हिसाब से काम करते हैं जो फॉरेन ऑफिस जो ओआईसी आई सी मरज़ वजूद में आई थी वो तो आई थी 1969 में जब आ, आग लग गई थी शहीद करने की कोशिश की गई थी मस्जिद अक्सा को उसके बाद जो असली पहली हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई है और जो अफेक्टिव थी वो थी 1974 में 1974 तो में लाहौर में भट्टो साहब वजीर आजम थे उसके नतीजे में वो आपने घड़ी घड़ी इकोनॉमी का पूछा है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत दूर असर पड़े थे मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज उसके बाद उनको जॉब्स मिले उनको रोज़गार मिला मुख्तलफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में वो गए अब तो खैर लिबिया का बुरा हाल है सऊदी अरब यू के अलावा लिबिया बहुत से पाकिस्तानी गए थे कवियत गए थे कतर गए थे तो मेरा कहना ये है कि उस कॉन्फ्रेंस का तो डायरेक्ट बहुत भारी असर पड़ा था और फिर उसका असर यूँ भी पड़ा कि हमारी जब अख़ुवत हुई गुरबत हुई तो हमें मुख्तलिफ किस्म के एडवांटेजेस हो मसलन ऑयल के सिलसिले में नॉट ओनली न्यूक्लियर इश ऑयल पे हमें फैसिलिटी मिली बट उसके बाद भी बहुत से मसाइल आए हैं जब हमें मदद मिली जिसका मतलब है कि हमारे डिफेंस में भी कोपोरेशन रही और अकॉनमी में भी कोपोरेशन रही ये सिर्फ मियाँ साहब थे जो इतनी ब्रेफली ये बातें सारी डिस्क्राइब कर सकते थे ऑल दो इसमें से कुछ बातें बड़ी हिम्मत चाहिए ये बातें करने के लिए कि हाउ डिड इन 1974 दिस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गॉट इफेक्टेड और उसके बाद ही पाकिस्तानियों को पासपोर्ट बनाने का तरीक़ा मिला और उस तरीक़े के बाद हमने एक बहुत बड़ी वर्क उन मुल्कों में भेजी जिन्हें उस दुनिया को जिनकी सूरत थी मैं सब हाउ यू फील ग्लोबली लाइक दिस समिट इट कैन इफेक्ट द इमेज ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान के इमेज में क्या बेहतरी आ सकती है जैसे अभी रिसेंटली वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम द सीरियस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ के दुनिया ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा आइसोलेट हो गया है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए देखिए जो हर कौम का एक मोर होता है आप क्या क्रिकेट टीम्स नहीं है? आ रही थी तो अब कैसे है, क्रिकेट का फॉरन पॉलिस क्या ताल्लुक है लो के मोरल से ताल्लुक़ है जिस काम का मराल डाउन हो जाए वो बहुत सी फील्ड्स में पीछे रह जाता है एक चीज़ है जिसे कहा जाता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स और आपको हैरानी होगी कि हालांकि बहुत से दावे किए जाते हैं फ़ला मुल्क की साउथ एशिया में इतनी इकॉनमी है पाकिस्तान उनसे बदर जहाँ बेहतर है इंडिया और बांग्लादेश दोनों से यानी कि साठ साठ पॉइंट्स ऊपर है अब इसमें तो बहस हो सकती है क्यों क्या ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए जाते हैं सही है क्या ये जो डॉलर में मॉनेटाइज किया जाता है ठीक है क्या बेहतर यह है कि पर्चिंग पैरिटी को देखा जाए कि अगर आप लंदन में जाएं तो आप जो आपका दरवाज़ा खोलता है उसको एक दो पाउंड दे, दे देते हैं यानी कि तीन चार सौ रुपए उसमें यहाँ अच्छा खासा बंदा जाके तंदूर पे दो रख चार सौ में खाना खा लेता है तो यह पर्चरिंग पापियोरिटी का मामला है तो मेरा कहना उसमें यह था कि जो लोगों का मोराल है वो रिफ्लेक्ट पार्टली होता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स अभी इस साल फिर आया वो फिर पाकिस्तान पचास साठ पॉइंट्स ऊपर है उस पर आपने एक का क्योंकि घड़ी घड़ी पूछा था तो मैं ये कह रहा हूँ कि इकनॉमिक्स जो है आजकल और पॉलिटिक्स वो घुटमट गए हैं और उसमें जियो इकोनॉमिक्स की आजकल बात हो रही है जब पाकिस्तान में पहले जियो पॉलिटिक्स की बात होती थी और उसमें मेजर रोल जो आया है लोगों का जहन इस तरफ गया है वो सी पैक के बनने के बाद आया लेकिन सी पैक से बहुत पहले इकोनॉमिक कंटेंट पाकिस्तान की चाइना रिलेशनशिप जो है उसमें बहुत पहले आ गया था मतलब जो हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है ये सब कुछ बहुत पहले बना दिए गए थे और कोई तो वजह होगी जो मैंने आपको हैप्पीनेस इंडेक्स की बात किया कि चीनियों ने भी ये सोचा कि जो हमने बनाना है वो जो ओलंपिक्स अभी भी इस्लामाबाद में स्टेडियम में हो रही हैं यानी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी चाइना ने पाकिस्तान में आके बनाया तो ये दोनों चीज़ को आप सेपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते दे आर रिलेटेड योर फॉरन पॉलिसी एंड दिस अब कहते हैं ओ आई सी जो है आपने कहा सत्तावन मुल्क आए हैं देखे ये एक है इंडिकेशन आप कह सकते हैं जी क्या पाया फायदा है आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है जी फ़लस्तीन हल नहीं हुआ कश्मीर हल नहीं हुआ फलान नहीं हुआ फलान हुआ ये इशू ही दूसरा है नेशंस नेशन्स इनकॉम्पटेंट बिल्कुल फ़ेल कर गई है हालांकि ख्याल ये था कि जब लीग ऑफ नेशंस फ़ेल हुई और जब लेबिया पे हमला किया आ, उसने इटली ने इतली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके नतीजे में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लोगों का ख्याल था कुछ सबक सीखा जाएगा सबक ये सीखना था कि इंटरनेशनल मोरालिटी इंटरनेशनल लीगलिटी हो वो सबक नहीं सीखा गया बजाय यह कि जनरल असम्बली को ताकत जीत जाती सारी ताकत गसब कर ली सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट जो मेंबर्स हैं जो ठेकेदार हैं कोई मामला उसका ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ है ना इंडिया की फ़ॉर हाँ है एक लिहाज से कि आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं जब तक हम वेस्टर्न ब्लॉक में थे कश्मीर में भी यू में हमारे हक़ में रे, रेजोल्यूशन आ जाते और रशिया उसको वीटो कर देता था तो मेरा कहना उसमें यह है कि रशिया की पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बदली है तो ये जो है कि जी फला चीज़ नहीं हल हुई और ओ का क्या फ़ायदा है ये इट इज़ मच मोर देन ओ ओ एक वॉइस है जब वो कलेक्टिवली बोलती है तो कश्मीर के लिए भी बोलती है फरस्तिन फरस्तिन के, भी, के लिए भी लेकिन जब इंडिविजुअल मुल्क होते हैं जो सॉरन नेशंस हैं सारी दुनिया में वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं और यह चाहे किसी को पसंद आए या ना आए अगर ऐसी बात होती ना तो मुसलमान मामालिक की आपस में जंगें ना होती ईरान इराक की भी जंग हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए और हुई थी यमन सऊदी अरब की जी यमन सऊदी इसलिए मैं कह रहा हूँ यमन सऊदी हो या ईरान इराक हो तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए इसके फ़ायदा है अगर आप कहते हैं ना कि वैसे क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ इराक़ में बगदाद के शहरी से पूछ लें सऊदी अरब में आप किसी मदीना मक्का जद्दा कहीं चले जाएं काहिरा चले जाएं रबात चले जाएं तूनस चले जाएं एक है उम्मा, उम्मा की एक आवाज़ और वो आपको नजर आ जाती है एक आता है सेल्फ सेंटर्ड होती हैं वो अपने मुल्कों के कौमी मफाद के उसको रख के आगे चलती हैं सर आपने बहुत बहुत प्यारी गुफ्तु की वी हैव टू गो फॉर अट्रेक स्टे वी दस वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम ग्लोबल इकानमी विदाम बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलवेज इफेक्टेड विद अ फॉरन पॉलिसी ये वो चीज़ है जिसे मैं एमसाइज करना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि कोई भी मुल्क ग्लोबली इकोनॉमिकली उतना पावरफुल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी फॉरन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती वेरी सक्सेसफुल पर्सन विदास खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉर्मर हैं और इनका ये हम इनसे वक्तन यह बात करते जाएंगे और इनकी बुक के बारे में भी बात करेंगे। का इसमें इकोनॉमिकली हम क्या समझते हैं कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई uh, कर सकते हैं इसे पहले तो यूक्रेन के मसले को समझना पड़ेगा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है वेस्टर्न मीडिया ने कहा जाता था कि आजकल समझ नहीं आती कि फ़ेक न्यूज़ क्या और असल क्या है बदनसीबी है कि आज के दौर में सब कुछ ही फेक हो गया है और ढूंढ़ना पड़ता है इसीलिए मैं बीबीसी सीएनएन के अलावा कोशिश करता था रशिया टीवी को देखूं वो माशाल्लाह गायब ही हो गया उसकी किसी वजह से क्योंकि वो आया का था टाटा पे टाटा इंडिया वालों ने या तो उसको उड़वा दिया है मैंने मैं फिर डिस्कवर किया फ्रांस 24 फोर इज़ अमांग द यूरोपियन चैनल्स बेटर वो भी फॉर सम रीज़न वॉइस उसकी बंद हो गई तो इसलिए बड़ी लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए अमेरिका का यह कहना है कि जनाब सारी यूरोप की सिक्योरिटी दाव पर रशियन एक्शन ने लगा दी है क्या सिक्योरिटी सिर्फ अमेरिका की ही ज़रूरी है या दूसरे की एक चीज़ जब तारीख लिखी जाएगी मैं इसके मैं जो Putin ने किया है प्रेसिडेंट खिलाफ हूं देखना पड़ेगा इन्हदाम हुआ तो ज, दुश्मनी तो नेटो और वर्स पैक्ट की थी और भाई सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया तो एक लिहाज से नेटो का तो जवाब खत्म हो गया था फिर बजाई है कि वो खत्म होता वर्स पैक्ट खत्म हो गया तो जवाज़ पैदा करने की कोशिश की गई अब वो क्या उसका फ़ायदा होगा नुकसान ये तो ऑलरेडी लिखना शुरू किया है और मैं ज़्यादा आज कोर्ट करूँगा अमेरिकन को बाजा ये कि मैं किसी को कोर्ट करूँ जो रशिया के हक़ में है किसिंगर से ज़्यादा तो अमेरिका उनको नहीं हो सकता जॉर्ज कैनन जिसने आयन कर्टन पॉलिसी डिवाइस की थी अमेरिका की सोवियर वेस्ट की सोवियत यूनियन के खिलाफ आयन कर्टन और जो न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा आजकल है ये कॉलमिस्ट टॉमस फ्रीडमन तीनों के मजमून पढ़ने और ये लिखा था मजमून मेरा ख्याल रिपीट किसी ने उसको फ्लॉप किया है या किसिंगर ने उसको दोबारा कर दिया विद सम वो उसमें ये कहा गया था कि किसिंगर ने कहा वो जब खत्म हो गया था सोवियत यूनियन तो क्या जरूरत आप उनके बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं वो तो रूस रह गया था रूस का सदर जो वियल्टसन था वो तो अमेरिका से दोस्ती चाह रहा था और अश्योरेंस यह दी गई थी कि अगर जर्मन रियोनिफिकेशन हो जाएगी जब बर्लिन वॉल गिर गई तो फिर यह उसके बॉर्डर्स की तरफ नेटो नहीं जाएगा लेकिन कोई परवाह नहीं की माशाल्लाह अमेरिका जंगल का शेर है उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और उसका कोई जवाब नहीं आया जो बड़े बड़े अमेरिकन राइटर्स कह रहे हैं और मैं ऐसे अमेरिकन राइटर्स को नहीं कह रहा को लेफ्ट ऑफ सेंटर हो या बड़े कोई इनकलाबी हो मैं तो एस्टेब्लिशमेंट के राइटर्स को कोट कर रहा हूं कि सिंगर जॉर्ज कैनन और टॉमस फ्रीडमन तो अब जब इन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की मैं 2007 में मौजूद था कॉन्फ्रेंस थी म्यूनिक की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रेसिडेंट पुटिन ने एक मार्क तो तकरीर की थी और वो तकरीर की थी जब अमेरिका ने अटैक कर दिया था उसके बाद हुई थी ये म्यूनिक कॉन्फ्रेंस इराक पे पाकिस्तान ने मुखालफत शरीद की थी हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने के अलावा अमेरिका के इतिहादी समझे जाते थे अफगानिस्तान के मामले में हमने शरीद मुखालफत की इराक पर हमले की रूस ने की और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर तो एक हीरो बन गए थे डोमिनिक दिल पॉ उन्होंने ज़बरदस्त मुखालफत की जिससे अमेरिका इतना गुस्से में फ्रांस के खिलाफ आया कि तो उसने कहा हमारे मुल्क में फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होंगे फ्रीडम फ्राइज़ हुआ करेंगे तो मैकडोनल्ड्स फ्रीडम फ्राइज बेचने लगा था बजाय फ्रेंच फ्राइज के तो मेरा कहना यह है कि उस वक्त पुटिन ने तकरीर की थी कि हम नहीं मानते जिसको आप इस्टेबलिश्ड ऑर्डर कहते हैं या रूल्स बेस्ड ऑर्डर हम तो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर को बेस्ड करते हैं आपको यूएन की सेंकशन नहीं थी और आप इराक चले गए उसमें अमेरिकन डेलीगेशन वो रेड बाय लेड बाय सेनेटर लूगर जो कि फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी के, के चेयरमैन थे कैरी नहीं नहीं सेनेटर लुगर, सेनेटर लुगर, वो जो कैरी लूगर आप कह रहे हैं वो बिल की बात वो कह बिल कह बिल हैं, की बात कैरी लूगर बामन बिल वो एक सेपरेट इशू है तो वो वहां लीड कर रहे थे और पूरे अमेरिका ने ये समझा कि आज रूस या पुटिन हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और उसने एक किस्म की वार्निंग दी थी फिर अमेरिका को चाहिए था कि देख लेता कि वो एम टी वार्निंग्स नहीं दे रहा क्राइमिया पे हमला करके कब कब्जा कर लिया उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको अब आप अपनी सिक्योरिटी से खेलने देंगे उससे पहले जॉर्जिया पे के हिस्सों पे उन्होंने अपने जो रशियन स्पीकिंग थे उनको अलहदा कर दिया और नेटो कुछ नहीं कर सका था अब मुझे नहीं समझ आ रही कि यूक्रेन में जब अमेरिका का सदर घड़ी घड़ी कह रहे हैं प्रेजिडेंट बाइडन कि हम अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे और अगर सोल्जर नहीं भेजेंगे तो उनको इनक्रेज करना चाहिए था कि वह प्रेसिडेंट पुटिन से सेटलमेंट से करें सेटलमेंट बजाय उनको कहा अच्छा अच्छा बहुत तुम तो कमाल के बंदे हो उनको हीरो बना दिया और तबाह हो रहा है मुझे तो अफसोस होता है वो बेचारे तबाह हो रहा है औरतें बच्चे भाग रहे अपने मुल्क से सिक्योरिटी का जो मामला होता है वो होती है सिक्योरिटी फॉर ऑल जब तक सिक्योरिटी फॉर ऑल नहीं होगी दुनिया में अमन कायम नहीं होगा सर, आई से लाइक दिस के जैसे मुझे समझ आ रही है कि पूरा यूरोप नाटो ये सब लोग एक बकरी के सर पे दो दो गज लंबे सींग भी लगाते तो वो एक हाथी से नहीं लड़ सकती और उसके बावजूद उसे लड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया गया और जो सख्त तकलीफ है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन सफर कर रहा है आज भी इट्स ओनली यूक्रेन वेस्ट नाटो वाई एक उनको सिर्फ एट का दाना डालने के इसके अलावा उसमें कोई करैक्टर नहीं प्ले कर रहा और इसकी वजह से इंटरनेशनली इकॉनमी बहुत डिस्टर्ब है ख़ास तौर पे द प्राइस ऑफ द ऑयल एंड गैस इंटरनेशनली इट्स कोलैप्सिंग और ये पूरी दुनिया की इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर रही है सर शुड आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफगानिस्तान के हवाले से जैसे अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स की तो वहाँ पे जो ह्यूमिनिटेरियल क्राइसिस हैं लाइक बहुत ज़्यादा खदेशा है कि लोग भूख से मर जाएंगे या उनको वे आउट नहीं है तो आप इसको इंटरनेशनली इकोनॉमिकली आप कैसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है पहली बात तो ये और पाकिस्तान को इसमें क्या करेक्टर प्ले करना पहली चाहिए। पहली है पहली बात जो अफगानिस्तान का मसला है दुनिया के जहन से गायब हो गया था और यूक्रेन वॉर की वजह से और कोई इसका जिक्र नहीं हो रहा था इंटरनेशनल हेडलाइंस में अखबारों में बल्कि पाकिस्तान के अखबारों में भी रूस यूक्रेन आ गया था तो एक जो सबसे बड़े असर और नतीजा हुआ है इसका ओआईसी का वो ये है कि अफगानिस्तान दोबारा रेडार पे आया है और फिर चीन के वजीर खारजा को बुला के यहाँ स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर जिनकी अपनी आबादी तकरीबन डेढ़ अरब है और डेढ़ अरब के करीब मुसलमान हैं एक सिग्नल होता है ना वो सिग्नल सिग्नल पास, पास किया जाता है सिग्नल पास किया जाता है वो सिग्नल दे दिया गया है कि कोशिश ये की जा रही थी कि बताया जाए मुसलमान मुल्कों को कि चीन मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है जो पाकिस्तानी सफ़ीर वहाँ गए हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ये मैं ठीक है चाइना का अपना सिस्टम है हमारे और सिस्टम है लेकिन उसमें जो उनको री एजुकेशन वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तरह हम समझते हैं कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है औरतों को फलाँ किया जा रहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं है हाँ वो ये चाहते हैं कि और उनमें वो कहते हैं कि री एजुकेशन है और उसमें उनको तरक् व एतराज़ किया जा सकता है वेस्ट में एतराज़ किया जा सकता है लेकिन अगर इतराज़ ही करना है तो बहुत सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इराक़ में हुई थी जब

वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम ग्लोबल इकानी विद आमिर अली मियाँ ख़ुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने इतने प्यारे एनालिसिस किए हैं और इकोनॉमिकल एनालिसिस हैं कि ऑयल प्राइसेस से लेके उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जिस तरीके से हाईलाइट किया है और जैसे मैंने मियाँ साहब से डिस्कस किया था कि मियाँ साहब कहते हैं कि जब तक ये यूक्रेन का प्रॉब्लम नहीं हुआ था हमने अफग़ानिस्तान के ह्यूमटेरियल हुमिन, क्राइसिस वहां पे भूख की प्रॉब्लम से लोगों के मरने का खदशा है ये तो इस कॉन्फ्रेंस की वजह से इस पर थोड़ा हाईलाइट किया गया ये भी हमारी गवर्नमेंट की ऑयल की क्लाइमिंग हायर सो हाउ डू यू फील हाउ इट विली नहीं ये जो इकॉनमी अभी तक तो ये कहा जा रहा है ना कि असर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पे होगा हमें तो होगा हिंदुस्तान को होगा बांग्लादेश को होगा अफ्रीका के ममालिक को होगा तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का असर आएगा तो नेचुरली प्रॉब्लम होगा लेकिन ये सिर्फ वो नहीं है तो वेस्ट और डेवलप कंट्रीज़ की इकोनॉमी को भी इतना ही कर देगा उसकी वजह यह है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.4 पॉइंट परसेंट बरतानिया का है जो कि 30 इयर्स में हाईएस्ट है अमेरिका में इतना ऊंचा हुआ है कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिकली इतना डेवस्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है और अमेरिका जो ऑयल पे कर रहा है और गैस पे अगर ऑयल पे लगा भी दें और वो चाइना भेजनी शुरू कर दें गैस पे तो यूरोप का गुजारा ही नहीं उसके बगैर दे आर डिपेंडेंट ऑन रशियन सर आ, मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि रशिया ने गैस को भी बैन कर दिया है फॉर यूरोप जब उन्होंने बैन लगाया है ऑयल पे और यूरोप ने तो नहीं लगाया ऑयल ने, और नहीं होगा और इसीलिए जो स्विफ्ट का बैंकिंग सिस्टम है उसमें कुछ बैंक्स को छोड़ दिया गया है एक्टिव रखा गया है एक्टिव इसीलिए रखा गया है कि जो ऑयल या गैस उनकी आए उसकी पेमेंट हो सके अमेरिका को तो नुकसान कुछ नहीं है यूरोप की गर्दन पर छुरी पड़ जाएगी क्योंकि अमेरिका तो बल्कि शेल ऑयल जो है शेल उसकी वजह से जो उसका ऑयल है उसकी तो प्राइस बढ़ेगी और वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगी बेनिफिट हाँ को उनको तो फ़ायदा हो जाएगा आयरनिकली दूसरा फायदा रूस को होगा कि जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी उतनी वो हालांकि शुरू में रूस ने 30 परसेंट कम प्राइस पे ऑफर किया और इंडिया सोना ख़रीद रहा है तो कई मुल्क खरीद लेंगे। सर exactly, मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटूंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन इंडिया ने ऐसी ही डील की है कि अगेंस्ट रूपी एंड रूबल उन्होंने एक डील की है कि आप हमें ऑयल देते एंड दैट इज थर्टी परसेंट लोअर बिल्कुल मिया साहब ने बजा फरमाया बहुत अच्छी ऑब्जर्वेश थर्टी परसेंट लोअर प्राइसेस पे आप हमें ऑयल दे दें और उसके अगेंस्ट इंडिया उनको पेमेंट नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें यह कह रहा है कि आप अपनी डेली यूटिलिटीज हमसे बाय कर लें इट मीनस ही इज गेटिंग अ डबल बेनिफिट वो ना सिर्फ उनसे ऑयल uh, ले रहा है और वो भी थर्टी परसेंट डिस्काउंट पे बल्कि उसके बदले में वो दूसरा बेनिफिट क्या ले रहा है वो बेनिफिट है कि उसके बदले में एक्सपोर्ट्स कर रहा है यानी कि वो अपनी लोकल मशीनरी को एक्टिवेट कर रहा है तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है हाउ डू यू थिंक अबाउट ओ आई सी दिस एजेंडा के जो कश्मीर के मसले में एक रेजोल्यूशन अभी तक क्लियरली आया नहीं है डू यू फील के हमें ओ आई सी के प्लेटफॉर्म पर को प्रेशराइज करना चाहिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के लिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो देखिए पहली बात तो यह है कि कॉन्फ्रेंसिस नहीं होती जब तक पहले काम ना कर लिया गया हो उसको हम कहते हैं आउटकम डॉक्यूमेंट्स आउटकम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ली जाती है पहले जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ये सारे कई कई महीने पहले बात होती है उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल्स पे तो फॉरेन मिनिस्टर्स की लेवल पे तो वो तकरीबन अग्री हो गया होता है तो जो कश्मीर और फ़लस्तीन पे तो रेजोल्यूशंस आ जाएंगे इन पर पहले काम हुआ और सऊदी अरब के वजीर ख़ारजा ने तो ओपनली कह भी दिया है कि जी कश्मीर पर और फलस्ती पर हमारे जो टिमेंट्स हैं वो सब इनके साथ हैं मसला यहाँ नहीं ओ में नहीं प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम आता है जब इम्प्लीमेंटेशन नेशनल गवर्नमेंट्स करती हैं नेशनल गवर्नमेंट्स जिनकी ट्रेड हिंदुस्तान से मस ज्यादा है या हिंदुस्तान की वहाँ डिपेंडेंसी है इन्वेस्टमेंट हो रही है कुछ है वहाँ वो लूक वाम सा होता है इंडिया को सपोर्ट तो नहीं करते लेकिन लूक वाम होता है जो आप तबक् करते हैं वो नहीं होता ये सारी दुनिया में हो रहा है ये तो आप और तो और छोड़ें बट अमेरिका ने जब टेरिस लगाया स्टील पे तो बर्तानिया को थर्टी परसेंट मुसीबत पड़ गई थी उनके ऊपर स्टील पे टेरिस लग गए थे तो ये तो मुसलमान मुल्कों को तो एक तरफ छोड़े वहाँ भी यह मसला है तो इकनॉमिकली एक, अभी तक कोई बॉयकॉट दुनिया में नहीं कामयाब हुआ जब तो मुझे जब तक याद है साव, सवाए साउथ अफ्रीका के जब सारी दुनिया इकट्ठी हो गई थी साउथ है जनूबी अफ्रीका रेशम के खिलाफ अदरवाइज कोई ना कोई रास्ते उसके निकाल लेते थे आज आपके सामने ईरान जिन जागती जिंदा मिसाल है जितनी उन पर लग गई हैं और ठीक है उनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर उस तरह तो नहीं कर सकी जो कर सकती थी लेकिन वो अपने स्टैंड से तो टस मस टस से मस नहीं हुए इसलिए मेरा यह ख्याल है कि अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा अब कितनी देर मार खाएं यूक्रेनी उम्मीद यह है कि जल्दी इनकी कोई पीस कॉन्फ्रेंस होगी मीट करेंगे कम कम अज कम डायलाग शुरू होगा Between, uh, President प्रेजिडेंट इन प्रेजिडेंट प्रेजिडेंटिन और उसमें वो को रास्ता निकालेंगे जिसमें रशिया अब वो तो इंडिकेशन हो रही है कि वो कह रहा है कि हम नई नेटो में जाएंगे तो सारी फिर मुसीबत किस बात डाल दी है भाई पहले ऐलान करा देता अमरीका कि भाई अच्छा वो नेटो में नहीं जाएंगे तो कहानी ख़त्म हो जानी थी जी बिल्कुल देट कु अब यह इतना करक रहा कि अगर उनका यह ख्याल आया कि जी हमने एक फायदा वो कहते हैं हमें हुआ है वो कह रहे हैं अमेरिका कि नेटो करीब आ गया क्योंकि यूरोप वाले बकौल अमेरिका के ठंड मीठी नींद की गोलियाँ लेके सो गए थे और वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं कर रहे थे और अब जर्मन चांसलर ने अनाउंस किया कि दो परसेंट जो जीडीपी है उसकी वो करेंगे डिफेंस तो करेंगे। तो वो ठीक है लेकिन देखेंगे कितनी देर की बात अभी तो यूक्रेन से बहुत हमदर्दी है

जैसे उन्होंने पी एस एल के इनका के बारे में बात की इस ओ आई सी की कॉन्फ्रेंस के बारे में एक बात की इट इज़ अ सक्सेस ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट दैट वी आर शोइंग अ स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान स्टे विद अस वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक अल्लाह हाफिज़